नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कल दिल्ली के लिए एक बड़ा अटपटा सा दिन रहा। आम आदमी पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के विरोध में उतरे और भारतीय जनता के पार्टी के पार्षद दिल्ली सरकार के विरोध में उतरे। एक सिविक सेंटर से दिल्ली सचिवालय तक मार्च कर रहे थे और उन्हें बीच में रोक दिया गया, और दूसरे राजघाट से मार्च कर रहे थे सिविक सेंटर तक, उन्हें भी बीच में रोक दिया गया। आरोप और प्रत्यारोपों का ये दौर चला कि बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाए कि केजरीवाल की पुलिस ने उन्हें अपना प्रदर्शन पूरा नहीं करने दिया, और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का आरोप ये रहा कि अमित शाह की पुलिस ने उनको उनका प्रदर्शन नहीं करने दिया। बीजेपी की एमसीडी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बीच में पिछले 3 वर्षों से लगातार खटपट चल रही है, लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, मौखिक हमले किए जा रहे हैं। आप जैसा कि पहले से अवगत हैं, अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पहले भी बहुत बार नहीं बनी है। अब जब ये मसला शांत हुआ है तो एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में अनबन लगातार बढ़ रही है। अनबन की वजह है फंड्स। एमसीडी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे काम करती है, उनका काम है दिल्ली को साफ रखने का, कुछ डिस्पेंसरीज जो एमसीडी के अंदर आती हैं उन्हें चलाने का, और निगम के प्राइमरी स्कूल्स को रन करने का। इन सब में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं और एमसीडी की जिम्मेवारी है कि वो उन्हें सैलरी दे। चूँकि एमसीडी के पास फंड्स नहीं आ पा रहे हैं तो उन कर्मचारियों को कोविड के दौर में भी फंड नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली सरकार उन कर्मचारियों के लिए जवाबदेह है या एमसीडी की ही जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निगम पार्षद कमलजीत सहरावत हैं, जो कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्स मेयर रही हैं और एक्स लीडर ऑफ हाउस भी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। बहुत बड़ा सवाल है ये। पहली बात, कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आपको भी रोका गया, उनको भी रोका गया, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगे। प्रोटेस्ट का मकसद क्या था? क्योंकि कोविड के दौर में जहां लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, वहां पे जनप्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं तो मसला बड़ा होना हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस समय पे हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, उस समय वहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं तो उसका कोई विशेष कारण होगा। मेरा आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो हमेशा स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट करने के लिए स्टेट हमेशा प्रोविज़न रखती है। 2012, 2013, 2014 हम कभी भी की बात करें, 97 से तकरीबन हम सिर्फ बीजेपी में एक बार सिर्फ हमारे पास निगम की सरकार नहीं आई है, वरना 3 बार से दिल्ली में लगातार निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो पहले कांग्रेस के पास दिल्ली, शीला दीक्षित जी बहुत लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रही हैं और अब केजरीवाल जी हैं। आप एक बात को ध्यान करिए कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे कभी भी बजट का कोई इशू नहीं आया था, और ना ही ये कन्फ्लिक्ट्स होते थे, कभी नहीं होते थे, क्योंकि जो एक ड्यूटी बनती है, शीला दीक्षित जी बहुत मैच्योर लीडर थी, पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेग पुलिंग भी होती है, लेकिन उन्होंने निगम को, क्योंकि वो शायद इस बात को मानती थी कि निगम जमीन पर काम करने वाली एजेंसी है और इसके जो फंड्स अगर उसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात होगा। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है, पहले टाइम से ही उन्होंने धीरे धीरे करके अपना शिकंजा निगम के ऊपर कसना शुरू कर दिया, और अब जब पिछली बार उन्हें करारी शिकस्त मिली थी उनको इस चुनाव में, निगम के चुनाव में, तो तब से उन्होंने देख लिया था कि निगम को फेल करना है, और हर बार स्ट्रेटजी प्लान करके वो इस तरह से करते आए हैं। पहली बार आप कह लीजिए, पहला साल है जिसमें दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी आ गई होगी, मैं मानती हूँ, हालांकि उतनी नहीं आई है क्योंकि विज्ञापन देख लीजिए, इतने बड़े बड़े विज्ञापन तो अभी भी आ रहे हैं। लेकिन हम कोविड से पहले की बात करें दिल्ली सरकार की, तो आप देख लीजिए उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी। उनके पास तकरीबन 60,000 करोड़ का बजट है, और जबकि दिल्ली सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो तकरीबन 37,000 करोड़ का होता है। उन्होंने खूब जनता को फ्री का वादा किया, सब किया, कोई बात नहीं, ठीक है, दिल्ली की जनता को आपने जो वादे किए, दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है उस बात से। लेकिन निगम को उसका हिस्सा काटने की लगातार कोशिश की। 2017 में एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के लिए कमेटी बनती है, 2017 में वो कमेटी बनी,
उस कमेटी ने 140 रिकमेंडेशन दी और उन्होंने कहा कि निगम का शेयर बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार का अपना शेयर भी बढ़ रहा है और निगम जो काम करती है दिल्ली में उसकी अपेक्षा राजधानी होने के नाते लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हो रही हैं और इनको फंड ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उस फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो 140 आई थी उसमें से तकरीबन 55 को तो इन्होंने एक साइड में कर दिया और बाकियों को भी उन्होंने क्लब करके इस तरह से कर दिया कि हमारे फंड्स कम कर दिए, जबकि बढ़ाने की बात हुई थी फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, वो तो इन्हीं की टेबल के ऊपर रखी गई थी और इन्हीं के पास वो डाटा था, इन्हीं की वो कमेटी थी, आप उसको ऑफिशियली चेक करवा सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ, आप इनसे RTI लगवा के जैसे भी अगर ये आपको डॉक्यूमेंट है आप चेक करिए कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया था। लेकिन उस सजेशन के बाद भी इन्होंने हमारा शेयर लगातार काटा और 2018 में जनवरी में जब वो टेबल इन्होंने की इस रिपोर्ट को, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन्होंने कहा कि हम इसको रिवर्स डेट से इसको लागू करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। यस, रेट्रोस्पेक्टिव करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि आपको जो हमने फंड पहले ज़्यादा दे रखा है हम उसको माइनस करेंगे, और इन्होंने हमारा शेयर माइनस करना शुरू कर दिया। चलिए, हमने कहा कि आप उसको माइनस करने का वैसे कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि डेवलपमेंट काम, जो सड़क बन गया, जो पार्क बन गया, जो रोड बन गया, जो ट्रेन बन गई, उसको उखाड़ा तो नहीं जा सकता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ आप इसमें जाती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने इस बात को नहीं माना, तो हमने कहा चलिए आप दे तो दीजिए। अब आप बात करिए इस साल की, इस साल में आज की रेट में अगर आप इनका 1 अप्रैल का बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जो इन्होंने बजट ग्रांट किया है कॉरपोरेशन को, अगर मैं सिर्फ साउथ MCD की बात करूँ तो 1134 करोड़ रुपये किया गया है। आज तकरीबन 7 महीने हम बीत चुके हैं, इसमें हमारी 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं, लेकिन इस 1134 में से हमें सिर्फ, जो कि 892 अभी तक मिल जाने चाहिए थे 2 इंस्टॉलमेंट में, हमें सिर्फ 217 करोड़ रुपए मिले हैं, और जिसमें कि 2 CR आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको दिया सिर्फ 217। और इसमें भी आप देखिए XL 3D4 जो दिल्ली में सफाई के लिए पैसा मिलता है उसमें हमें 118 करोड़ रुपए इन्होंने देने थे, उसको हम अर्बन डेवलपमेंट फंड के नाम से भी कह सकते हैं। 118 करोड़ का बजट एलोकेशन इनका डॉक्यूमेंट बता रहा है, हमारा नहीं, आप इनके बजट डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। 118 करोड़ इन्होंने कहा कि हम इस साल आपको इस फंड के अंदर देंगे, UD फंड्स के अंदर, लेकिन अभी तक उसमें इन्होंने हमें 0 पैसा दिया है। आप एजुकेशन की बात करिए, मनीष सिसोदिया जी बार बार बोलते हैं एजुकेशन को बहुत ऊपर लेकर जाना है, तो 2.5 लाख बच्चे गरीब परिवारों के तो MCD के स्कूलों में पढ़ते हैं सिर्फ साउथ MCD में, और सेम नंबर आप लगा लीजिए तो आप लगा लीजिए तकरीबन 8.5 लाख के आसपास तीनों कॉरपोरेशन के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। एजुकेशन के अंदर जो SDMC को इन्होंने बजट ग्रांट किया था वो हमारा था 501 करोड़, जिसमें कि आपका सैलरीज, डेवलपमेंट, इन सारे कामों के लिए था, लेकिन आज तक हमें जो उसमें पैसा दिया गया है वो तकरीबन दिया गया है 160 करोड़, यानी 500 में से सिर्फ 160 क्या हम टीचर्स की सैलरी नहीं देंगे? 7 महीने बजट को बीते हुए हो गए हैं, 5 महीने बाद नया बजट पेश किया जी। और हमारे टीचर्स ने, आप ध्यान करिए, राशन बांटने का काम हो या खाना बांटने का काम है या सर्वे का काम है, हमारे टीचर्स ने साथ मिलकर किया है। तो जिस एजुकेशन पे दिल्ली सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती है वही एजुकेशन, क्या प्राइमरी एजुकेशन जब MCD की बात आती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, कुछ भी वो देने के लिए इसमें तैयार नहीं है। हम हेल्थ की बात करें, आज आप देखिए डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का सीजन शुरू हो गया है, आपको दवाइयाँ भी चाहिए, आपको DVC वर्कर की सैलरी भी चाहिए, आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दिल्ली को सेफ रखने के लिए उन सब के लिए पैसा चाहिए। इनफैक्ट कोविड के दौर में तो हेल्थ को ज़्यादा ही प्रमोट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और आप देखिए कि कोविड के टाइम पे अगर जो पॉजिटिव केसेस थे उनके घर में घुसकर अगर किसी ने सैनिटाइज किया है तो वो MCD के लोगों ने किया है। सैनिटाइजेशन का काम, उनके घर से कूड़ा उठाने का काम, जो कि डायरेक्ट टच में लेकर आता था कोविड पेशेंट के, जो कोविड इफेक्टेड लोग थे उनको अगर डायरेक्ट टच में कोई डिपार्टमेंट आता था तो MCD के डिपार्टमेंट आते थे, फिर भी हमने उस काम को किया है। लेकिन आज हालत हमारी ये है कि हमें तकरीबन 65 करोड़ रुपये अभी तक मिलने चाहिए थे जिसमें से उन्होंने सिर्फ 14 करोड़ दिए हैं, दवाइयाँ भी लेनी है, सैलरी भी देनी है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि आप लोग जो है आजकल कैंप्स लगा रहे हैं जिसमें आप रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो इनका सैंपल सर्वे का काम चल रहा है, सीरो सैंपल का जो चल रहा है उसमें हमारा स्टाफ लगातार साथ में काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस बार जब हमने ये प्रदर्शन किया है कल, तो हम यही बताना चाह रहे थे अपने स्टाफ के साथ हम खड़े हैं, स्टाफ की सैलरी तभी दे पाएंगे जबकि हमारे पास ये पैसा आएगा। दिल्ली सरकार को जितना भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रीज होती हैं उसका पैसा जो मिलता है उसमें एक शेयर
एमसीडी का भी होता है। अगर आज हम बात करें तो साउथ एमसीडी का इस साल का सिर्फ 37 करोड़ रुपया उनके पास है। 37 से वो 37 करोड़ तो उन्होंने नहीं देना है, वो तो दिल्ली की जनता ने अगर अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप चेंज की है, जो भी पेपर्स हुए हैं, रजिस्ट्री हुई है, तो उनके बेस पे उन्होंने जो पैसे दिए उसमें से 37 करोड़ हमारा शेयर है, लेकिन अभी तक वो 37 करोड़ भी हमें अभी तक नहीं मिले हैं। बेसिक टैक्स का एक असेसमेंट होता है, उसका एक एलोकेशन हमारे एमसीडी को मिलता है। जितना भी टैक्स दिल्ली में कलेक्ट होता है उसका 3% एमसीडी को मिलता है। 3% कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है, लेकिन उस बीटीए के हिसाब से जो हमें 450 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे बेसिक टैक्स एलोकेशन का जो फंड है, उसमें से हमें तकरीबन 450 में से सिर्फ 41 करोड़ रुपये मिले हैं अब तक। तो ये डाटा जो मैंने आपको रखा है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं दिल्ली सरकार के अपने डॉक्यूमेंट से। 1134 करोड़ में से फाइनल अभी तक आपको सिर्फ 217 करोड़ रुपया मिला है, जबकि अभी तक आप लोगों को 892 करोड़ रुपीस मिल जाने चाहिए। इन पैसों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी देना होगा, कर्मचारियों की सैलरी देना प्लस डेवलपमेंट के काम का। एमसीडी के पास अपने फंड्स भी तो होते होंगे। एमसीडी के अगर आप हम रेवेन्यूज की बात करें कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम में सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद आता है हमारा टोल टैक्स, और उसके बाद हमारे जो लाइसेंस फीस होती हैं, एडवर्टाइजमेंट, पार्किंग, ये है। अब हम एक से बारे में बात करना शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। इस साल जितने भी कमर्शियल स्पेस हैं वो सब बहुत घाटे में हैं, उनको माफ़ करना पड़ रहा है। पार्किंग और एडवर्टाइजमेंट रोकना चाहूँगा जी, आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज भी करने वाले थे, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसके दबाव के कारण बकौल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपने उस टैक्स को कम भी किया। इस वक्त में आपको लगता था कि प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाना सही था? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारा है 2014 से अब तक हमारा कोई इंक्रीज नहीं हुआ था, उसमें हमने थोड़ा इंक्रीज किया था। वो इंक्रीज जब होता है तो मान लीजिए आप 4,000 रुपये दे रहे हैं तो आपके पास 5,000, सिर्फ 1,000 का फ़र्क पड़ रहा था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और वो इतनी जनता में जब वो डिवाइड होता है वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाता। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें, जैसे प्रोफेशनल टैक्स एक आदमी जो 6 लाख रुपये साल के कमाता है उसे 1,200 रुपये देने हैं, तो जो आदमी 6 लाख रुपये कमा रहा है उसके लिए 1,200 रुपये मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, क्योंकि जो कमाएगा वही देगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं देगा। जिसकी 6 लाख से इनकम है डेवलपमेंट में ही लगने थे। अब एडवर्टाइजमेंट और पार्किंग की बात करें, बिल्कुल जीरो। आप देख लीजिए 5 महीने से पार्किंग की सारी साइट्स हमें सबका रेमुनेशन करना पड़ा, सब लोगों को माफ़ी देनी पड़ी है जो हमारे चार्जेस थे। एडवर्टाइजमेंट जीरो है, पार्किंग दिल्ली में कोई गाड़ी आई नहीं। पार्किंग की आप पोजीशन के साथ में आप टोल टैक्स को लगा लीजिए, टोल टैक्स 5 महीने से हमारा जीरो है। तो जो हमारी इनकम है वो डे टू डे की वर्किंग से आने वाली है। दिल्ली सरकार के पास जो फंड है वो डिफरेंट टाइप का है, उनके पास जीएसटी है, लोगों ने सामान तो खरीदा ही है तो जीएसटी तो गया ही है। तो दिल्ली सरकार की जो इनकम है उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ा है। दिल्ली सरकार के अपने इनकम टैक्स से उनका शेयर मिलता है, उनके अपने सोर्सेज हैं जिनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो हमारा था, पार्किंग था, एडवर्टाइजमेंट था, टोल टैक्स था या प्रॉपर्टी टैक्स है, इसमें हमें डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है। तो जो पैसा हमें 3200 करोड़ मिलना था, आज अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन मुझे लगता है 2200-2300 करोड़ ही हमें मिल पाया है। तो दिल्ली सरकार के जो पैसे आते हैं उससे हम अपना जो लॉस होता है उसको भी रिकवर करते हैं और डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। आज जब दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है तो साउथ एमसीडी अभी तो हम सैलरी दे पा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का है, लेकिन अगर यही पोजीशन दिल्ली सरकार ने रखी तो शायद एक स्टेज वो भी आ जाएगी कि एसडीएमसी भी अपनी सैलरी देने में शायद हो सकता है परेशानी महसूस करे। पहले भी 3 महीने पहले की खबर थी कि एनडीएमसी ने 1,000 CR का एक मुश्त किस्त मांगी थी क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल टू पे सैलरीज, और यही स्थिति साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी आने वाली है। कुछ चीज़ों पर रोकूंगा मैं आपको जी। बिलबोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, मैं पार्किंग की बात से तो आपकी एग्री हूँ कि स्टार्टिंग के 3-3.5 महीने पार्किंग ऑलमोस्ट बंद ही रही, लेकिन अब जो मोस्ट ऑफ द पार्किंग साइट्स हैं वो चालू हो गए हैं और वहाँ पे लोग आना जाना भी शुरू हो गया है, लेकिन अब से हुआ है। लेकिन जो ये बिलबोर्ड्स थे उस पर हमें रेगुलर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है। अब तो यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनकी भी एडवर्टाइजमेंट दिखी है, वरना आदेश गुप्ता जी जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन बिलबोर्ड पे खूब एडवर्टीजमेंट छापे थे। अरविंद केजरीवाल के भी एडवर्टीजमेंट खूब दिखे हैं। और जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइंस थी
उसमें भी नेताओं की बड़ी बड़ी फोटोज, चाहे वो बीजेपी के हों, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी एडवर्टीजमेंट के मामले में आम आदमी पार्टी से पीछे नहीं है, उनकी भी एडवर्टीजमेंट खूब देखने को मिली है। तो एडवर्टाइजमेंट फंड तो आपके पास आया हो, जो आपने कहा इस बात को समझिए। हाँ, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम या दिल्ली सरकार जो भी इनके ऊपर लगाती है वो पेड नहीं होते हैं। अच्छा, वो खाली साइट थी, कोरोना का पीक था, तो उसकी जो गाइडलाइंस है या डायरेक्शंस है वो हमने लगा दी, बट उसके लिए पेमेंट नहीं होती है। अच्छा, वो फ्री में लगती हैं वो, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट की एड्स होती हैं। तो जो कमर्शियल एड होती हैं वो 15 जुलाई तक तो बिल्कुल बंद थी। ये तो मैं एग्री करूं। तो वो जो पेमेंट डिपार्टमेंट को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम एडवर्टाइजमेंट्स के पास हमने जब बात किया था, एडवर्टाइजर्स के पास एडवर्टाइजमेंट का कोई भी पैकेज नहीं था, पीछे से उनको रिटर्न में इंस्ट्रक्शन आ गई थी कि आप हमारी एड्स को बंद कर दीजिए। तो हमने उनसे बात की कि इस टाइम दिल्ली में बहुत क्रूशियल स्टेज है, अगर कोई चीज़ बार बार दिखती है तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होता है। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हम कोरोना से बचने के उपाय या कोई भी इस तरह की पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें अगर हम आपके बोर्ड्स पर लगाना चाहें तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्या आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो क्योंकि सब लोग इस बात से चाहते थे कि दिल्ली में कोरोना कम हो और लोगों में अवेयरनेस आए, तो उन्होंने यस किया, लेकिन इसकी कोई भी पेमेंट उन लोगों को नहीं हुई और ना डिपार्टमेंट को इनकी कोई पेमेंट हुई है। लीक से हटके एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी, ये इस इंटरव्यू का मूल मुद्दा नहीं है, आपको नहीं लगता कि चाहे दिल्ली सरकार हो या MCD हो, अगर वो भी अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करे तो उसे MCD को फंड देना चाहिए, उसको उसकी पेमेंट की जानी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी का जिसकी केयर टेकिंग जो है वो MCD कर रही है या दिल्ली सरकार कर रही है, उसका इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, मान लिया सोशल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, लेकिन सोशल इंटरेस्ट के लिए तब बहुत बढ़िया होता जब सिर्फ SDMC होता या दिल्ली सरकार होता। अगर उसके ऊपर केजरीवाल की फ़ोटो, केजरीवाल साहब की फ़ोटो लग गई है, नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लग गई है या किसी मेयर की फ़ोटो लग गई है, तो वो उनका अपना पर्सनल प्रमोशन भी तो हुआ। आपको नहीं लगता कि एक नया आप लोगों को शुरुआत करनी चाहिए कि अगर हमारा नेता भी या हमारे लोग भी हमारे बिलबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्लीट पेमेंट नहीं, एटलीस्ट उतनी पेमेंट तो की जाए जिससे उसका सर्वाइवल हो, ताकि कुछ फंड्स MCD के पास बढ़े। देखिए, MCD ही पेमेंट करे और MCD ही रिसीव करे, तो इसमें तो कोई फंड बढ़ने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो इधर से निकलेगा उस अकाउंट में जाएगा, तो इसलिए इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाली बात नहीं है, लेकिन वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही अकाउंट हमारे हैं, माइनस करना वाला भी और प्लस करने वाला भी। क्योंकि मान लीजिए उसके ऊपर फोटो लग गई, फॉर एग्जांपल हम बात करें, हालांकि कोविड में तो मेयर वगैरह कोई फोटो नहीं लगी, SDMC की सिर्फ गाइडलाइंस थी, और लेकिन अगर उसमें मान लीजिए, क्योंकि वो एक चेहरा होते हैं उस टाइम पे दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी बात का एक असर होता है, कोई भी जो पोस्ट पे मेयर बैठे हैं तो एक उनके लिए होता है कि मेयर इस बात को कह रहे हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे हर जगह का है कि पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी उनकी अपनी ज़मीन है तो वो पेड नहीं होती है। मान लो हमारे स्कूल हैं तो वहाँ पे हम अपनी गाइडलाइंस लगाते हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, तो ये तो होना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का अपना काम है। दो चीज़ें हैं, मैं दो मुद्दे रखता हूँ इसके लिए, मुझे दो चीज़ें लगती हैं। अरविंद केजरीवाल अगर अखबार में विज्ञापन दें और अपनी फ़ोटो ना लगाएं और सिर्फ गाइडलाइंस लिख के दें तो इस चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल अपनी फ़ोटो मुस्कुराती हुई तब डाल देते हैं जब कोविड के कारण देश कराह रहा है, तो उस फोटो पे भी गुस्सा आता है। इसी तरीके से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जब नरेंद्र मोदी जी की मुस्कुराती हुई फ़ोटो लगी रहती है और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे होते हैं, तो मन जो है आपका कराहता है। दूसरी चीज़, एक रिकॉर्ड रहता है कि अपनी ही ज़मीन का हमने कितना इस्तेमाल किया, वो पैसा वापस आपके पास आ जाना है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हमको भी पता रहेगा, जनता को ये पता रहेगा, एक क्लैरिटी आएगी कि अपने सामान का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं आपकी इस बात को क्लियर करूँ, आपने जो कहा न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट और बिलबोर्ड की एडवर्टाइजमेंट दोनों डिफरेंट है, लेकिन बिलबोर्ड पब्लिक पर देखिए बिलबोर्ड लगा ही हुआ था, हाँ ठीक है, उसके ऊपर एड लग गई, लेकिन अखबार में एक पेज की एड का 75 लाख कॉस्ट है, 75 लाख एक दिन की एक न्यूज़पेपर में, और वही न्यूज़पेपर में अगर 10 में आती है तो आप ये लगा लीजिए 750 करोड़ एक दिन में जा रहे हैं। 750 करोड़ नहीं, रेक्टिफाई कीजिए, 7.5 करोड़। मैम हर न्यूज़पेपर की प्राइसिंग अलग अलग होती है, तो तकरीबन, लेकिन मोटा मोटी आप आप ये लेके चलिए, ठीक है ना, इतना होता है, क्योंकि वो फुल पेज ऐड, दो पेज का ऐड होता है, आगे भी होता है पीछे भी होता है। तो इसमें 7.5 करोड़ की जो बात आपसे बात हुई है, तो वो अगर
जो आपने बिलबोर्ड की बात की, बिलबोर्ड लगा ही हुआ है, उसके ऊपर हमारी कोई कॉस्ट नहीं जा रही, 1000 रुपये का फ्लैक्स पेपर लग गया, वो अवेयरनेस की बात अलग है, लेकिन आप उस टाइम पे जबकि आपके पास फंड्स नहीं है और आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, तो वो गलत है मुझे लगता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं वो नुकसान वाली बात है। जो आपकी परमानेंट साइट है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, जो आपकी परमानेंट स्पेस है जहाँ वो लगी रहनी है, वहाँ पर आप एक बार लगाकर एक लंबे टाइम तक लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसमें जस्टिफाइड है, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐड देना एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 10 दिन 10 मिनट और 10 हफ्ते ये जो ऐड है, क्योंकि डेंगू मलेरिया इससे नहीं भागेगा, वो 7.5 करोड़ अगर आप डीबी से वर्कर को दे देंगे उसकी दवाई खरीदने के लिए, उसकी सैलरी के लिए, तो वो मोटिवेशन से काम करेगा, वहाँ से डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया भागेगा, 10 हफ्ते अखबार में ऐड देने से डेंगू मलेरिया के मच्छर को वो एडवर्टाइजमेंट पढ़नी नहीं आती कि केजरीवाल जी कह रहे हैं अब हमें नहीं पढ़ लिया और अब नहीं काटना, ऐसा नहीं होगा, वो तो दवाई से ही मरेगा। कमलजीत जी, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो आपके खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल इस बीच में ये है कि 28,000 CR से आपका फंड इंक्रीज करके 60,000 CR तक किया गया, अगर इस कोविड के दौर को हटा दिया जाए तो उससे पहले तो MCD को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था। अगर हम बात करें साउथ MCD की, क्योंकि मेरी ज़्यादा नॉलेज साउथ MCD की, हम साउथ MCD को ही लेके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये देखिए, हम फिफ्थ फाइनेंस कमीशन से पहले हमने कभी बजट का नहीं बोला, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में जो इन्होंने हमारे साथ जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला गेम खेला, हम उससे नुकसान में गए, वरना हमारी साउथ MCD का, आप PWD के जितने फ्लाईओवर ब्यूटीफाई किए, किसने किए? साउथ MCD ने किए। आप जितने भी, आप अभी यहाँ पर भी आए होंगे, जितने भी राउंड अबाउट हैं, किसने ब्यूटीफाई किया? हमने किया। दिल्ली 32वें नंबर पर पहुँची, कौन पहुँची? साउथ MCD पहुँची। ईज ऑफ डूइंग में अच्छा किया तो साउथ MCD ने किया। तो जब हमारे पास फंड्स थे तो हमने कभी बोला भी नहीं, लेकिन जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करके हमारे फंड्स को काटा गया, ये तो आप भी समझते हैं कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ी ना होती है, जिस डेट को डिसीजन आता है उससे नेक्स्ट डेट्स में वो एप्लीकेबल होता है, नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ से जब हमारे साथ चलाकी करनी शुरू की गई है, हमारे लिए तो दिक्कत तब से शुरू हुई है। बाकी नॉर्थ और ईस्ट की मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि उनकी समस्या एक अलग तरह की ये है कि वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुझे लगता है तकरीबन 650 करोड़ का उस हॉस्पिटल का खर्चा है, जबकि वहाँ से इनकम 1 रुपये की भी नहीं है। तो आप नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ के अपने इश्यूज हैं, हालांकि वहाँ के जो साथी हैं वो ज़्यादा बेटर बताएंगे, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि साउथ के पास कालका जी हॉस्पिटल है, उसको हम BP मॉडल पर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा बेटर पोजिशन में है क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा एक द्वारका सब्सिडी भी है आपके पास, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देती है। देखिए, द्वारका जो सब्सिडी है, तो फिर उसके साथ में हमारे पास अनुथराइज कॉलोनी भी है, JJ क्लस्टर भी हैं, गांव भी हैं, तो ये तो चंक कोई देता है और कोई नहीं देता है, उन्हें एवरेज पे ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। लेकिन जब तक ये हमारे साथ 2017 से पहले, तो हमने कभी नहीं आपको फंड के लिए बोला, जब 2018 में 17 में तो आप देखिए हमने इतना अच्छा काम किया है, 232,000 लाइट चेंज करके पूरी इंडिया के अंदर साउथ MCD फर्स्ट पोजीशन पे आई थी, और मुझे तो लगता है कि यही सब रीजंस थे जिसमें हमारे साथ साजिश करके हमारे फंड्स को कम किया, वरना तो रेट्रोस्पेक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता है फंड्स को कम करने का। ये हमारा जितना फाइनेंस कमीशन ने इनको सजेस्ट किया, वो तो एक ऑटोनोमस बॉडी थी ना, वो तो हमारी बॉडी नहीं थी। जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने दिल्ली सरकार के लिए सजेस्ट किया कि आपको देना चाहिए, इतना ही हमें दे दें, और मैं कहती हूँ फिर हम दिल्ली में काम करके दिखाते हैं कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। कर्मचारी हड़ताल पे हैं आपके, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही आप तय करेंगे और उनका साथ दिल्ली सरकार के लोग का दे रहे हैं, और आप ही के साथ बैठने वाले आपके विरोधी पार्टी के निगम पार्षद भी, दुर्गेश पाठक इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और वो लगातार MCD पर आरोप लगा रहे हैं कि MCD गरीब हो रही है लेकिन पार्षद अमीर होते जा रहे हैं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षदों के टिकट काट दिए गए, तो उसके लिए एक बड़ी चीज़ ये बोली गई कि इन नेताओं की छवि खराब हो गई थी, इनमें से कई लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, किसी को पार्टी से नाराज़गी नहीं थी, उस चेहरे से नाराज़गी थी और इसी वजह से चेहरा बदल दिया गया। हालांकि भाजपा ने अपना एक अलग पक्ष दिया कि हम चाहते हैं कि ये लोग आगे की तैयारी करें। अब जो नई MCD आई है उनके ऊपर भी यही आरोप लगातार लग रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इन चीज़ों का जवाब कैसे देंगे आप, क्योंकि कर्मचारी आपके खिलाफ हड़ताल पर हैं। देखिए, हमारे कर्मचारी जो हमारे खिलाफ हड़ताल पर हैं,
वो हमारे बिहेव से नहीं है, वो हमारी वर्किंग से नहीं है, वो इसलिए हैं कि उनकी सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नहीं कन्विंस, भूखे पेट कैसे कन्विंस होंगे जी। उनको तो सैलरी चाहिए, कन्विंस करने की बात ही नहीं है। वो ये तो नहीं कह रहे, वो हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो अपनी सैलरी मांग रहे हैं, वो ठीक है, वो जस्टिफाइड अपनी जगह। अगर उनको सैलरी चाहे दिल्ली सरकार ना दे रही हो या MCD में जो भी इश्यूज हैं, वो तो बेचारे अपनी बात रख रहे हैं और उनको रखने भी चाहिए। मैं उनके साथ खड़ी हूँ इस बात में कि जिसको सैलरी नहीं मिलेगी वो अपने बच्चे की फीस कैसे देगा। लेकिन तह में जाने की बात ये है कि भाई इसका कारण क्या है, कारण मैंने आपको सारे बता दिए। दूसरी बात, आपने बात कही जो करप्शन की बात है, आज आप बात कर लीजिए, पिछली बार जो आम आदमी पार्टी के विधायक जीते थे, इस बार का मार्जिन चेक कर लीजिए, मार्जिन में डिफरेंस देख लीजिए। अगर इन्होंने ये फ्री की कुछ घोषणाएं ना की होती तो मैं कह रही हूँ कि आप केजरीवाल साहब का रिजल्ट देख लेते। ये तो दिल्ली की जनता को उन्होंने बिजली फ्री 4 महीने पहले बिल जीरो कर दिए, जबकि वो बिल खूब आ रहे हैं, पानी फ्री। जबकि मेरा कहना ये है कि आप फ्री उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं दीजिए उनको। लेकिन सोशल सर्विसेज के नाम पे अगर आप लूट मचाते हैं बिना बात की, महिलाओं को फ्री दीजिए आप जिनको ज़रूरत है, मैं बस में ट्रेवल करूँ और मैं टिकट ना खरीदूँ, तो इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। मैं किसी एक आदमी का हिस्सा खा रही हूँ, मेरी जगह उस पुरुष को मिलना चाहिए था जो शायद पे नहीं कर सकता। तो मुझे तो लगता है टिकट्स ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या है, मत लीजिए टिकट, नहीं ऐसा नहीं है। वो जब आप चढ़ेंगे और आपको बताया जाता फ्री है तो एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, वो आदमी को लगता है कि मैं क्यों लूँ फिर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को देने की अगर बात थी तो आप इसको डिसीजन सही से लेते, संसाधनों को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना था। संसाधन आपके नहीं है, संसाधन दिल्ली के हैं, दिल्ली के लोगों के हैं, जिसको जरूरत है उसको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मेरा बिजली का बिल फ्री आ रहा है तो मुझे क्या जरूरत है बिजली के बिल फ्री होने की। जैसे कि मोदी जी ने किया, उन्होंने उज्ज्वला योजना में लोगों को कहा कि आप अपनी सब्सिडी छोड़िए, उनकी मर्जी से छुड़वाया। तो ऐसी एक अपील केजरीवाल साहब भी करते कि EWS में सबसे बिल जीरो आएंगे, बाकियों को मैं कहता हूँ कि भाई इतना है तो आप देना चाहे तो दे दें, बिल जीरो करके भेजते हैं। तो इसमें तो कोई भी आदमी लालच करेगा, लालच मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे, कोई भी होंगे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ इस पर। लेकिन पब्लिक जो फंड्स हैं उनका मिसयूज़ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उनका मिसयूज़ बिना बात की बातों पे, सिर्फ और सिर्फ लोग अवाहनी बातें करके। आप दिल्ली सरकार के बजट का असेसमेंट कीजिए, जितना ये पैसा खर्चते हैं उसमें डेवलपमेंट की परसेंटेज कितनी है। फ्री एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट एक अलग चीज है। दिल्ली को अब तक मोनोरेल मिल जानी चाहिए थी, जिस हिसाब से शीला दीक्षित का प्लान था मेट्रो चलाने के लिए। वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा है, DBC वर्कर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा है। आप करिए जो मर्जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, बॉल आपके हाथ में है तो आप जैसा चाहेंगे वैसा खेलेंगे। लेकिन क्या जस्टिफिकेशन दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली सरकार कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 या 7 साल से दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष का रूप नहीं ले पाई है। आप चुनाव हारा हुआ चुनाव में अमित शाह और उनकी टीम ने एक जान फूंक दी, जिसकी वजह से एंड तक रिजल्ट के लिए लोगों के अंदर लालसा रही। वरना चुनाव से 45 दिन पहले तक, या अब 50 दिन या 2 महीने पहले तक मान लें, तो BJP तो गेम में ही नहीं थी। ये सब मान चुके थे कि अरविंद केजरीवाल वापस आने वाले हैं। आपकी 2 महीने की कैंपेनिंग बहुत बढ़िया रही, और इतनी बढ़िया रही कि लोगों को लगा कि हाँ रिजल्ट्स कुछ बदल सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े मार्जिन से जीते, 62 out of 70, ये कोई छोटी जीत नहीं है। लेकिन ये जीत हार का गेम चलता रहता है। विपक्ष न देश की सत्ता के पास है, न लोकतंत्र के अंदर है, ना ही दिल्ली के अंदर है। आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं उतर पाए। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं पूछ पाई कि नए हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं पूछ पाई कि नए स्कूल्स कहाँ हैं। आप लोग चुप हो गए सिर्फ इस बात से कि नहीं हमने बिल्डिंग तो बना दी है जी। आपको शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि BJP को जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी नहीं निभाई, और आप लोगों ने वॉकओवर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, अपना अपना देखने का नज़रिया हो सकता है। हम बात करें अक्टूबर 2019 की, अक्टूबर 2019 तक केजरीवाल साहब की हालत बहुत ख़राब थी। अक्टूबर में अगर आप असेसमेंट खुद का भी देखें, क्योंकि मीडिया में है तो आप देख सकते हैं, तो ये था कि केजरीवाल साहब जा रहे हैं। जब उनको भी लगा तो उन्होंने अचानक बिजली के बिल जीरो कर दिए। पहले सब्सिडी थी, फिर बिल्कुल जीरो पे आ गए। पानी के बिल जीरो हो गए, बस की सवारी फ्री हो गई, वाईफाई फ्री कर देंगे।
एक चुनाव को उन्होंने मुद्दों का चुनाव नहीं छोड़ा, क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 2,000-3,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, जो बच्चे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जो प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं काम करने के लिए, या दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी बहुत है। अगर हम ये कहें कि 30% जनसंख्या शायद ऐसी होगी जो कि इन फ्री से इफ़ेक्टेड ना होती हो, लेकिन 70% को एक अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने की बात है, उन्होंने फटाफट से रोड बनाए। आज मेरे पड़ोस में ही है कुतुब विहार, आप जाकर देख लीजिए, अगर एक भी नाले से पानी निकलता हो तो आप और मैं अभी साथ चलते हैं, चल के देख लीजिए। कोई उनका आउटफॉल का उन्होंने प्रोविज़न नहीं रखा, जैसे मर्जी उन्होंने काम किया। लोगों को लगा कि अब ये काम कर रहा है, कभी ऐसा ना हो कि भाई ये जो काम है रुक जाए, लोगों को एकदम ऐसा लगा। फिर बिजली फ्री, पानी फ्री, वाईफाई फ्री, ये फ्री वो फ्री, मेट्रो फ्री कर देंगे, बस फ्री कर दी। मेट्रो तो हालांकि रुक गई, हो सकता है अगले चुनाव में वो इसी चीज़ों पे लेके चले फ्री पे। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा? नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ फ्री पे लड़ा, जो कि उन्होंने अक्टूबर के बाद करना शुरू किया। कमल जी, इस मैं इसमें एक बात और कहना चाहती हूँ, मोदी जी की सोच बिल्कुल अलग है। मोदी जी कहते हैं अगर आपको अपना काम चाहिए, मैं ये नहीं कहते मोदी जी कि मदद नहीं करनी लोगों की, वो कहते हैं जिसकी है करनी है, बट उसने रीजनल जो है आपका पूरा एक होना चाहिए। जैसे किसानों को उन्होंने 2000 रुपए मोदी जी ने भी दिए, क्यों दिए? क्योंकि किसान के पास इतना नहीं आता तो मरने की पोजीशन होती थी, तो वहां करिए जहां जस्टिफाइड है। आज दिल्ली के किसानों को केजरीवाल साहब ने आज तक किसान नहीं माना। नहीं, उज्ज्वला योजना हम हमेशा से कहते हैं, जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी अपनी पेश की थी कि उज्ज्वला योजना हुआ या जो अभी बिहार में नल जल योजना चल रही है, ये गवर्नमेंट का एक विजनरी कदम है, एक अच्छा कदम है जिसकी सराहना होनी चाहिए, चाहे वो आयुष्मान भारत हो। आयुष्मान भारत अगर सक्सेसफुल होता है, अभी तक मैं उसको सक्सेस के पैरामीटर्स पे नहीं तोलता, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बड़ा नायाब हीरा होगा। मैं वापस आता हूँ आपकी इन चीज़ों पर। दुर्गेश पाठक ने कहा है आपकी नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर की एक बयान पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ज़रूरत है कि एमसीडी खुद आत्मनिर्भर बने, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पार्षदों को ट्रेनिंग देंगे। लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा, कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं संभल रही तो वो हमें दे दें, हम संभाल देंगे और हम उसको प्रॉफिट में ले आ पाएंगे। जब वो लोग ये चीज़ कह रहे हैं तो इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? आज मनीष सिसोदिया का मैंने बयान पढ़ा था, आज या कल के न्यूज़पेपर में है। उनको कहना है कि हमारी पोजीशन नहीं तो हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। कोई जीएसटी के इशू पे कहा है? क्यों कहा फिर उन्होंने, क्यों कहा है? फंड्स की रिक्वायरमेंट तो हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए होती है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देना बंद कर दे, कि लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो बहुत विजनरी नेता हैं, उन्हें लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता, सबको बराबर लेकर चलना चाहिए। अगर वो इनके साथ ऐसी ही पार्शियलिटी कर दें, आज केजरीवाल साहब क्यों नहीं तीनों मेयर को बुला के बात कर लेते, क्या दिक्कत है, मिलजुल कर काम करते हैं, बताइए ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, ये आप कर लीजिए, होती है कोई बातचीत क्या? जब चाहे फूलों का गुलदस्ता उठा के प्रधानमंत्री से मिलाते हैं, निर्मला सीतारमण जी से मिलाते हैं, गजेंद्र शेखावत जी से मिलाते हैं, गडकरी जी से मिलाते हैं, हमें तो टाइम नहीं देते हो। मिलने में भी जहाँ पे कोताही है वहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? इनसे उम्मीद करते हैं कि ये चला लेंगे अपनी चीज़ों के लिए? मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इनको आधा देना होता है, आधा देने में भी इन लोगों को दिक्कत है। इन्होंने कह दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये बात करने की कोई और बात है? जो इनके पास उसको चला के दिखाए ना, मेट्रो का जाल बिछाते आप वाली बात है, मोनो रेल को चलाते आपकी बात है, दिल्ली को ब्यूटीफाई करते कहाँ किया है? इन्होंने एक प्रोजेक्ट तो बता दें जो इन्होंने किया हो। अगर एमसीडी को आगे भी ऐसे फंड्स नहीं मिलते हैं तो एमसीडी किस तरीके से वर्क करेगी और भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? एमसीडी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट तो चाहिए, कर्मचारियों को सैलरी मिलनी चाहिए, चाहिए चाहे आप एमसीडी से दें चाहे दिल्ली सरकार से दें। हमारी जो जवाबदेही है वो कर्मचारियों के लिए है, दिल्ली को ब्यूटीफाई करने वालों के लिए है, मेरे घर से कूड़ा उठाने वालों के लिए है, उन सफाई कर्मचारियों की है जो दिन रात दिल्ली को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। क्या कदम होगा आपका? आप देखिए, अगर मान लीजिए हम प्रोफेशनल टैक्स की बात हुई, ये विरोध करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, ये विरोध करते हैं, खुद पेट्रोल के दाम एक दिन में 7.5 रुपये बढ़ा दिया डीजल और पेट्रोल, तब दिल्ली की जनता कहाँ चली गई थी? वो तो अमीर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, गरीब जो बेचारा बाइक पे चलता है 50 रुपये का तेल
डाल के उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो डबल पैरामीटर पे जब तक ये सरकार क्रिटिसिज्म करेगी जब तक दिल्ली का नुकसान ही होना है। रही बात कि हम अपने लिए क्या करेंगे, अब भी अगर ये स्टेज रहती है तो हमें फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी अपील करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ये हालत है और ये हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। आप कहेंगे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, पहले बता देते, और पहले गए भी थे, पहले गए भी थे, आपने लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन जिसमें आपने एमसीडी को सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के अंदर लाने की बात की। रीजन क्या है, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो बहुत बड़े दिल के बैठे हैं, उन्हें लगता है कि सरकार और निगम दोनों स्टेट का मैटर है तो हमें इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और जो कि जस्टिफाइड है उनकी बात कि आपका मैटर है। अब लेकिन पानी जब सिर से गुजर जाएगा तो मुझे लगता है कि दवा मिलेगी। अब दिल्ली सरकार से ऊपर उठ के केंद्र सरकार की तरफ रुख करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत जी, आपने पूरे मसले पर जो रोशनी डाली, हमने आपके सामने एग्जैक्ट फिगर्स रखे और ये जो फिगर्स हैं ये कमलजीत सहरावत ने रखे हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं एमसीडी की वेबसाइट पे और दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे। इन फिगर्स पे हम एक और वीडियो क्रिएट करके आपको देंगे, फिगर्स का आकलन कीजिए और फिर ये डिसाइड कीजिए कि जो ये एमसीडी की समस्या है वो जायज़ है या नहीं। ये ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता सोचे कि उनके हित में काम करने वाले कौन हैं और उनके हित के खिलाफ काम करने वाले कौन हैं। दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछे और एमसीडी से भी सवाल पूछे कि क्या वजह है कि कोविड के दौर में हमारा शहर गंदा हो रहा है, क्या वजह है जो हमारे शहर के सफाई में अग्रिम भूमिका निभाते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने में अग्रिम भूमिका निभाते हैं, वो भूखे मरनों की नौबत पे है। याद रखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में जनता की इन्वॉल्वमेंट खराब है और वो राष्ट्र को एक गलत दिशा में लेके जाती है। आपको अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने होंगे, आपके बिहाफ पे मैं भी लगातार जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच की जो ये वॉर है उस पे सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।